तो अगर आप जेई मेन 2024 के फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि एनटीए ने ऑफिशियली जेई मेन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। जेई मेन सेशन 2 स्कोर कार्ड इज लाइव, यहां पे आपको दिख जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है, कैसे आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कट ऑफ कितनी गई है कैटेगरी वाइज। यहां पे मैं एक बच्चे का लाइव रिजल्ट चेक करके बताऊंगा कि उसके कितने परसेंटाइल आए, कितना रिजल्ट आया, और आपको अपना ऑल इंडिया सीआरएल रैंक, कैटेगरी रैंक एंड परसेंटाइल कैसे चेक करना है। यानी 4 से 5 टॉपिक इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो रिजल्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आपको आपका एप्लीकेशन नंबर पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ एंड सिक्योरिटी पिन इंटर करने के लिए कहा जाएगा। वो जब आप डिटेल्स इंटर कर देंगे तो आपके सामने आपका रिजल्ट ओपन होगा। सबसे पहले मैं ये डिटेल्स इंटर कर देता हूं। एक बात ध्यान रखना कि जब डिटेल्स इंटर करना तो एक बार में सही इंफॉर्मेशन डालना, क्योंकि बहुत से बच्चे एक साथ रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो सर्वर बिजी का प्रॉब्लम आता है। इसके लिए एक बार में कोशिश करिए कि आप अपना पूरा इंफॉर्मेशन आराम से डालें, लेकिन सही डालें, जिससे कि आसानी से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकें। यह सिक्योरिटी पिन डाल देता हूं, 2922326। यह सिक्योरिटी पिन मैंने इंटर कर दिया है, अब यह रॉन्ग बता रहा है, 2922326। ये तो इंटर मैंने सही किया है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अब रॉन्ग आ रही है, फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम कई बच्चों को आएगा, सिक्योरिटी पिन आप डालेंगे सही लेकिन वो वहाँ पे गलत ही शो करेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करके दोबारा से इंटर करना पड़ेगा। ये मैंने इंटर कर दिया, सबमिट के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जेई मेन का 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जिसमें आपको सबसे ऊपर आपकी बेसिक डिटेल्स देखने को मिलेंगी, एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, पेरेंट्स का नाम, आपकी कैटेगरी वगैरह। एंड इसके बाद जो सेकेंड सेक्शन है एनटीए स्कोर पेपर 1 बी बीटेक, में आप देखिए तो आपको यहां पे आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा सेशन 1 एंड सेशन 2 दोनों का। यहां पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों के परसेंटाइल लिखे हुए हैं। तो इनके सेशन 1 में 97.60 परसेंटाइल बने थे एंड सेशन 2 के अंदर 96 परसेंटाइल ही बने हैं। यानी जो परसेंटाइल ज्यादा होगा सेशन 1 एंड 2 में से वही फाइनल स्कोर माना जाएगा। तो फाइनल वाले सेक्शन में देखिए तो इनके जो टोटल परसेंटाइल बताए जा रहे हैं वो 97.60 बताए जा रहे हैं। और अगर रैंक की बात करते हैं तो ये एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हैं एंड इनकी ऑल इंडिया सीआरएल रैंक जो है वो 37,624 आई है। तो ये आपकी ऑल इंडिया सीआरएल रैंक है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी, तो आपको यहां पे आपकी कैटेगरी रैंक भी देखने को मिलेगी सीआरएल रैंक के साथ साथ, यानी कैटेगरी रैंक भी यहां पे मेंशन होगी। और अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ यहां पे आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ परसेंटाइल गई है वो 93.23 परसेंटाइल गई है, 93.2362181, जो कि लास्ट ईयर से ज्यादा है। एंड जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 81.32664 तक गई है। और इसके बाद ओबीसी की बात करते हैं तो 79.67577881 एंड एससी के लिए 60.092318 एंड एसटी कैटेगरी के लिए आप परसेंटाइल देखिए तो 46.69758 एंड पीडब्ल्यूडी का सबसे कम 0.0018700 है, यानी बहुत कम परसेंटाइल। यानी आप ये मानिए कि जर्नल के लिए जो परसेंटाइल कट ऑफ गई है वो काफ़ी कम गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर के हिसाब से तो मतलब काफ़ी ज़्यादा है, कंपटीशन काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो ये कंप्लीट कट ऑफ परसेंटाइल है, कैसे रिजल्ट चेक करना है वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, एकदम क्लियर कट स्पेसिफाई किया है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए। सेशन 1 एंड सेशन 2 दोनों का रिजल्ट लिखा हुआ है, जो परसेंटाइल स्कोर है वो काफ़ी जो है तो बढ़ गया है इस बार। और मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। और अगर आपको हमारी टीम से काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, अपने कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको आपकी कम रैंक पे जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज होगा वो प्रोवाइड कराएंगे, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। मिलते हैं दूसरे वीडियो पर, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।